हाय एवरीवन, आई एम आरफिन। और न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस सीडल मेथड को। तो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है गॉस सीडल मेथड। इससे हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम भी हमारा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गॉस सीडल मेथड क्या होता है, ये जो हमने पिछली वीडियो में जैकोबी आइट्रेशन मेथड पढ़ा था ना, उसका ही एडवांस वर्जन है। तो जैकोबी आइट्रेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग आइट्रेट करते थे, एक्स वाई जेड का वैल्यू को पुट करते थे, वो सारा वैल्यू हमारा पिछला, उससे जस्ट पिछला आइट्रेशन वाला होता था। लेकिन यहाँ पे गॉस सीडल मेथड में क्या है कि हम लोग पूरा का पूरा पिछला आइट्रेशन वाला वैल्यू क्यों उठाए, हम लोग सेम ही आइट्रेशन में अगर कोई वेरिएबल अपडेट हो चुका है तो हम लोग उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो मतलब जस्ट पीछे वाला जो वैल्यू हुआ ना, चाहे वो पूरा पिछला आइट्रेशन का हुआ या सेम आइट्रेशन का ही हमारा वेरिएबल जस्ट पीछे वाला हुआ, उसी को हम लोग यूज़ करके अपना वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गॉस सीडल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। अगर आप लोग को अपनी यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन मुझे सेंड करना है तो मुझे लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपना सिलेबस और जो भी आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आप लोग भेज देना, मैं सॉल्व करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है गॉस सीडल मेथड से, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने जैकोबी आइट्रेशन मेथड में किया था। वहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने अपना जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको डायगोनली डोमिनेंट बनाया था। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सब इस वाले इक्वेशन में हमारे पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जिसका हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उन तीनों वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको हमें चेक करना है, प्लस माइनस को हमें चेक नहीं करना, ठीक है, मॉड समझ लो आप। तो प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 2, यहाँ 3 और यहाँ 10। तो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे जेड का है, यहाँ पे 10। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड इक्वल टू 22 प्लस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 10, ये होगा। और मोर ओवर जो डायगोनली डोमिनेंट बनाने का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो ये 10 है ना, मतलब वो वाला हमारा कोएफिशिएंट, जैसे कि 10 हम लोग ले रहे हैं तो 10 का हमारा मॉड ग्रेटर देन होना चाहिए इस 2 प्लस 3 के मॉड से, मतलब ये 2 और 3 के, मतलब इन दोनों को ऐड करके 10 से ग्रेटर होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहता है ना, वो उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन में सीडल मेथड अप्लाई करो जिसमें ये वाला कंडीशन जो आ रहा है ना, 10 ग्रेटर देन 2 प्लस 3 वाला, तो यहाँ से z का वैल्यू निकाल लिए तो इधर से x का निकालना है, इधर से y का निकालना है, ऐसे करके कुछ किसी क्वेश्चन में आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो गॉस सीडल मेथड को। बट एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। और दूसरी चीज़, अगर वैसा पे अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग का क्या है, मतलब जो आइट्रेशन होगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको डायगोनली डोमिनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 है विच इज़ ग्रेटर दैन 2 प्लस 3, ठीक है, यहाँ जेड का वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन 3 बना देंगे हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं 10 है हमारे पास वाई का, जिस 10 जो है ग्रेटर दैन 1 प्लस 1 यानी कि 2, यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसको इक्वेशन 2 बना देंगे। और इस 3 है क्योंकि यहाँ से z का वैल्यू निकाल रहा है, यहाँ से y, और यहाँ पर से x का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 और ये 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 10 ग्रेटर देन हमारा 3 है, इससे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और x का वैल्यू को निकालेंगे। तो 1, 2, 3 इसके फॉर्म में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वी कैन री राइट द ईच ऑफ द इक्वेशन टू आइसोलेट द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड देन आइटरेटिवली अपडेट द वैल्यूज। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारा था, हमने यहाँ पे लिख दिया पहले इस वाले को, फिर देन इसको, देन इसको, तो उस तरीके से हमने इसको ऊपर नीचे करके लिख दिया। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वाई का और यहाँ से जेड का। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को निकाल लेती हूँ कि सो गाइस, यहाँ पे मैंने सब एक्स वाई और जेड का वैल्यू को निकाल के यहाँ पे लिख दिया। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला इक्वेशन 1 से, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2y माइनस जेड डिवाइडेड बाई 10। तो वही चीज़ है, 9 माइनस 2y माइनस जेड बाई 10। तो इस तरीके से यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई और यहाँ से हमने जेड का वैल्यू निकाल के इधर पे रख दिया। इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो अजम्पशन वो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देती हूँ। तो इनिशियली क्या होगा हमारे पास, एक्स जीरो, वाई जीरो और जेड जीरो को हम लोग जो है 0 कंसिडर करेंगे, और उसके बाद अपना फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है, एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें इसको 0 और ये 0 को पुट करना है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे, ये फार्मूला बना ना, एक्स का, वाई का और जेड का, यही हमारा जो है मेन फार्मूला है, सारे आइट्रेशन में इसी फार्मूले को यूज़ करने वाले हैं।
तो x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2y माइनस z है, तो 0 0, तो 9 बाई 10 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 बाई 10 यानी कि 0.9। अब उसके बाद यहाँ पे हमें y का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। y के वैल्यू को निकालने टाइम हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पे ये है, हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है ये, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, -22 माइनस एक्स, एक्स का हमारे पास क्या है, हम लोग इनिशियली एक्स को ज़ीरो माने थे, ठीक है। इनिशियली हमने ज़ीरो एक्स को कंसिडर किया था, लेकिन अब क्योंकि हमारा एक्स यहाँ पर अपडेट हो चुका है, एक्स हमारा ज़ीरो था, ठीक है, लेकिन अगर अपडेट हो चुका है हमारा एक्स, तो अब हम लोग अपना न्यू वाला एक्स को यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम लोग ज़ीरो को नहीं बल्कि एक्स की जगह पे इसको पुट करने वाले हैं 0.9। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में जेड है, अब क्योंकि हमने जेड निकाला नहीं है, जेड का प्रीवियस वैल्यू क्या है, ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो ही पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ज़ीरो डिवाइडेड बाई हमारे पास 10 है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास -2.29। उसके बाद z का वैल्यू निकालना है, z के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 22 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, x हमारे पास इसका जस्ट पिछला यानी कि 0.9 ये लेंगे, तो 0.9 माइनस 3 इंटू वाई। अब y क्या है, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का y अपडेट हो चुका है ये, तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2.29 एंड डिवाइडेड बाई जो फार्मूला में 10 है वो, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 3.067। ये आ गया हमारा फर्स्ट आइट्रेशन। अब सिमिलरली सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन के लिए हमें फिर से x का वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर से x का फॉर्मूला क्या है, 9 माइनस 2y माइनस z बाई 10, तो ये है हमारे पास 9 माइनस 2y माइनस z बाई 10, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 9 माइनस 2 इंटू y, y का वैल्यू क्या है, ये वाला, ये -2.29, तो लिख देंगे -2.29 माइनस जेड, जेड की वैल्यू है हमारे पास 3.067 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगा 1.0513, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, अच्छा यहाँ पे x2 होता, यहाँ पे y2 होगा, यहाँ पे x1 तो लिखा है ना मैंने, नहीं लिखा है x1, यहाँ पे मैं x1 कर देती हूँ, x1 y1 z1, ठीक है, तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला क्या है y का, ये -22 माइनस एक्स प्लस जेड, -22 माइनस एक्स प्लस जेड बाई 10। अब यहाँ पे क्या है, -22 माइनस x का वैल्यू क्या है, जो पिछले बार आया है वो लेंगे, इससे जस्ट पिछला यहाँ पे आया है, तो ये -1.0513 प्लस z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 3.067, तो इसको लिखेंगे 3.067 डिवाइडेड बाई अपना 10 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास -1.99843, ठीक है। अब z2 का वैल्यू निकालेंगे, z2 का फार्मूला हमारे पास ये है, 22 प्लस 2x माइनस 3y, तो 22 प्लस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 10, तो इसका वैल्यू को निकालते हैं, हो जाएगा 22 प्लस 2 इंटू एक्स, इससे पिछले वाला x यहाँ पे आया आ चुका है हमारे पास, तो ये है होगा 1.0513 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आई है, तो हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस भी है, तो ये हो जाएगा -1.99843 डिवाइडेड बाई 10, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 3.009789, ठीक है। तो सेकेंड आइट्रेशन में भी हमारे पास जो है x2, y2, z2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग थर्ड आइट्रेशन करते हैं इस तरफ में, तो थर्ड आइट्रेशन, तो थर्ड आइट्रेशन के लिए x का वैल्यू हमारे पास क्या है, x का फॉर्मूला है ये वाला, 9 माइनस 2y माइनस z, तो 9 माइनस 2y माइनस z डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, वाई का वैल्यू ये आया है, ठीक है, तो -1.899 यहाँ पे लिख देती हूँ, -1.99843, ठीक है। माइनस जेड का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, 3.009, तो ये हो गया जेड का वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, सो गाइस सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कुछ ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे 3 भी लिख देते हैं, x3 y3 का वैल्यू निकालते हैं, तो y का जो फार्मूला है वो ये है, 22 माइनस एक्स प्लस जेड,
-22 माइनस एक्स प्लस जेड बाई 10, ये फार्मूला है। तो ये हो जाएगा -22 माइनस यानी कि एक्स यानी कि 0.99, ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे है वो हो जाएगा एक्स, तो 8707 प्लस जेड इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये वाला 3.00, तो इसको लिख देते हैं, ये वैल्यू है 3.009789 डिवाइडेड बाई अपना 10। इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास कुछ -1.9988917। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे Z3 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। Z3 का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है 22 2x - 3y, तो 22 - 2x - 3y, माइनस नहीं था आई थिंक, +2x - 3y डिवाइडेड बाई 10। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो आया है वो होगा एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.998707 माइनस 3 इंटू हमारे पास वाई 3 इंटू वाई है, वाई का वैल्यू ये आया है, तो ये लिख देंगे -1.9988917। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सो गाइस, कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो है 2.9994091। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड आइटरेशन। फोर्थ आइटरेशन करते हैं हम गाइस। ये जो हमारा मेथड है, ये वाला मेथड हुआ या फिर हमारा जैकोबी आइटरेशन मेथड हुआ, इसमें सिर्फ ज़्यादा कैलकुलेशन ही है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड है। तो आप लोग भी जो है कैलकुलेट करते चलो मेरे साथ साथ। वैसे तो PDF मिल गया आप लोगों को, तो आप लोग जैसे स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है, लेकिन आप लोग को पूरा PDF में एक साथ सब कुछ दिख रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख लो और उसके साथ ही साथ आप लोग सॉल्व भी करो। फोर्थ आइटरेशन में हमें x4 निकालना है। x का फार्मूला है 9 - 2y - z, तो ये 9 - 2y - z डिवाइडेड बाई 10। सो गाइज, मैं क्या करती हूँ, फोर्थ आइटरेशन में जो भी आ रहा है उसको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। सो गाइज, फोर्थ आइटरेशन में जो भी वैल्यूज़ आ रहे थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली फोर्थ में हमारा बना फार्मूला 9 - x2 का वैल्यू, यहाँ पे जो x का वैल्यू आया यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट किया गया, और z का पिछला वाला वैल्यू इस वाले फार्मूला में x और y में जो भी पुट किया गया है, यहाँ से x को मैंने यहाँ पे पुट किया, ये देखो, और ये वाला हम जो y का वैल्यू निकालते वो इसको यहाँ पे पुट किया। तो इस तरीके से जस्ट प्रीवियस वाला वैल्यू, जस्ट जो वेरिएबल के वैल्यूज़ निकाले हुए थे उससे हमने पुट करके फोर्थ आइटरेशन तक कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं एक्स वाई जेड के, वो यहाँ पर 0.999 है, जो कि अप्रॉक्स इक्वल टू हमारा 1 है। यहाँ पे -1.900 है, तो ये हमारा अप्रॉक्स इक्वल टू -2 है, और ये 2.96 इस तरीके से, तो अप्रॉक्स इक्वल टू हमारे पास 3 है। ठीक है, फिफ्थ आइटरेशन भी आप लोग कर लेना, जब आप लोग फिफ्थ आइटरेशन करोगे तो ये जो 96 है ना, ये 999 हो जाएगा इस तरीके से, तो ये 3 के ही इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे मैं अभी ऐसे लिख देती हूँ कि सो द रिक्वायर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप लोग जो है थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आया है मेरे पास, ये आया है 0.999, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0.999 आया है, तो एक्स का वैल्यू हमारा अप्रॉक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉमा वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, वाई का वैल्यू है -1.9000, तो यहाँ पे -1.9000 ये भी अप्रॉक्स का साइन ही होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, और फिर जेड का वैल्यू हमारे पास क्या आया है पिछले आइटरेशन में, ये आया है 2.9699, तो 2.9699 इस तरीके से, तो हमारे पास जो जेड का अप्रॉक्स वैल्यू आया है वो 3 आया है। तो ये 1, 2, -2 और ये 3 हम लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी को लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दी, बट ये मत लिखना इस वाले तक का ही आप लोग को छोड़ना होगा, क्योंकि शायद यहाँ पे करेक्ट अप टू सम डेसिमल प्लेसेस भी बोला गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोल दिया जाता है कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप लोग उस केस में तो मतलब मत ही लिखना, और ये वाला भी चीज़ जो है आप लोग मत ही लिखना, नहीं तो ऑप्शनल है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग एक होमवर्क प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली ये है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डायगोनली डोमिनेंट बना देंगे। डायगोनली डोमिनेंट बनाने के लिए हम लोगों ने कंडीशन चेक कर लिया इस तरीके से, देखो ये 10 10 10 इधर आ गया, डायगोनल हो गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला, और फिर फर्स्ट आइटरेशन में हम लोग इनिशियल गेस हम लोगों ने किया x0 y0 z0 को 0, और इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू निकाला सबसे पहले, एंड यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाला हमने, ये
1.3 और जो y का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, जो y का फॉर्मूला बना था उसमें x था, तो x का हमने इसी वाले वैल्यू को 1.3 को ही फिक्स पुट कर दिया, इन दोनों को हमें ज़ीरो करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरीके से हमने फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन किया और फिर थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ, फिफ्थ नहीं किया हमने, ठीक है, फोर्थ एड्रेशन तक किया और हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे भी मैंने जो है फुल एग्जैक्टली मतलब अप्रॉक्स का साइन दे करके लिखा है जो कि फाइन है, लेकिन मतलब आप लोग इस तरीके से लिख देना जो भी आपका वैल्यू आया, मतलब एक्स वाई और ये जेड का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना आप, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उसी के साथ अगर आप लोग चाहो तो मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो टॉपमेट पर भी आ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।